सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे, जपो सारे सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे। ये पावना गुरु रामदास साहब जी की महाराज जी की अंदरली भावना है। दो साल दे सन मां गुजर गई, सत साल दे होए पिता जी गुजर गए, रिश्तेदार कहन लगे जेठिया तू यतीम हो गया, ना तेरे सिर दे उपर मां प्यो दा साया है, ना तेरी रोजी रोटी चलाउन वाला कोई है। कई तरह दे मोड़ जिंदगी विच आए, छोटे छोटे हाथ पैर किते कोंगणियां विचियां पाकिस्तान दी गलियां विच। महापुरुषां ने ऐसे भी बचन उचारे के सारा सारा दिन भांडे मांजे। भाई जेठा जी ने पता ही नहीं लगता कदों दिन होया कदों रात होई, क्योंकि दुनिया नालों नाता ही टुट गया जदों रिश्तेदार कहन लगे तेरा दुनिया विच कोई नहीं। गुरु अमरदास जी का जीवन तक लीए, गुरु अंगद देव जी का जीवन तक लीए, गुरु अर्जुन देव जी का जीवन तक लीए। गुरु अमरदास जी 63 साल दे हो गए हरिद्वार लंगर लगाउंदे, बड़ी सेवा करदे ने। एक ब्रह्मचारी साधु दे दर्शन होए, दोस्ती मित्रता होई, खाना पीना सोना बैठना इकट्ठे होया। ते एक दिन वो साधु बड़े दिनों बाद कहन लगा, यार तेरी मेरी दोस्ती बड़ी हो गई, पर अपने प्यार विच मैं तेनू एक गल पुछनी भुल गया। बाबा अमरदास जी कहन लगे, महाराज केड़ी? कहन लगे, ए तां दस तेरा गुरु कौन है। ते बाबा अमरदास जी हाथ जोड़ के कहन लगे, महाराज मेरा गुरु तां कोई भी नहीं। कहंदे ने उस साधु नूं बड़ा क्रोध आया, बड़े बोल बोलिया ते बोलदा बोलदा चलिया गया। तेरे नाल मैं प्रशादा छकिया, तेरे नाल मैं अपना समा बतीत कीता, मेरा समा नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, तेरा गुरु कोई नहीं। एडी वड्डी उम्र हो गई अजे भी तेरा गुरु कोई नहीं। कहंदे ने गुरु बाबा अमरदास जी नूं उस रात सारी रात नींद नहीं आई। इसनों कहंदे ने परवृत्ति, चेंज, नवा मोड़ जिंदगी विच आउणा। इसनों कहंदे ने हर पहलड़ी लाभ परवृत्ति, कर्म दृढ़ाया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। हद हो गई तेरी उम्र बीत गई, हाले भी तेरा गुरु कोई नहीं। सारी रात बाबा अमरदास जी नूं नींद ही नहीं पई, सारी रात यही गल सोचते रहे। सवेर होई ते सुनिया गुरु अंगद देव जी दी पावन अमृतमई बाणी, महिमा सुनी ते सेवादारा नूं नाल लैके चरणा विच हाजर होके कहन लगे, महाराज अज मैं रिश्तेदारी दे तरीके नाल नहीं, कुड़म बन के नहीं, अज मैं तुहाडा सेवादार बन के आया, मैनू अपना बना दो। फिर बख्शिश होई ते बख्शिश ऐसी होई 64 साल दी उम्र तो बाद उल्टे पैरी भावना। देखो अज ते सानू एक थाली जुठी चकनी भी औखी लगती है, 64 साल दी उमर मेरे गुरु वल मेरी पिठ भी ना हो जाए। उल्टे पैरी गागर चुक के 12 साल, कोई 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया। अद्धी अद्धी रात, तूफान, कई तरह दे परचे, इम्तिहान पे पर फेल ना हुए, ठुड्डे खा के डिगे भी, ते लोकां दे घरां विच्चों आवाजां आईयां ने, इस वेले कौन होवेगा, अमरू निथावां होवेगा, जिसनू रहण वास्ते कोई घर नहीं, खाण वास्ते रोटी नहीं, एवें सारी सारी रात गागर चुक के घुमदा है। पर ए कौन जानदा सी जिसनू तुसी निथावां कहंदे हो, ए तां सारिआं नूं थां देण वाला बणे। सेवा करदे करदे एक दिन ऐसा आया, अमृत वेला, बख्शिश भरिया समा, गुरु अंगद देव जी नूं जदों इशनान कराउण लगे ते सतगुरां ने गागर फड़ लई ते कहण लगे, बाबा अमरदास जी हुण तुसी मेरे तो भी गांह चले गए।
ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਦ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਛਹਿਰੇ ਧੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੇਖ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖ। ਪਰ ਮਹੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹੰਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੂਬ ਹੂ ਉਹੀ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।